नमस्कार, 10 को खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट। अब छात्र अपना रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mprizults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पटियाला में मोर्चा निकालने को लेकर भिड़े शिवसेना और खालिस्तान समर्थक, मौके पर जमकर चली ईंटें और तलवारें। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए की हवाई फायरिंग। अब रिजर्वेशन के दौरान आपको मिलेंगी कंफर्म सीट। 72 ट्रेनों को लेकर रेलवे ने कुल 81 डिब्बे बढ़ाने का लिया फैसला। शिमला के कृष्णनगर में अग्निकांड के चलते 2 कच्चे मकान हुए जलकर राख। आगजनी के चलते घरों में रखे 2 LPG सिलेंडर भी फटे। पुलिस ने कुल्लू में जलाई 16 करोड़ की 160 किलो चरस। इसके अलावा 120 चरस और 80 अफीम के पौधों को भी आग के हवाले किया। एप्पल की स्मार्ट बोतल हुई लॉन्च। पानी पीने के लिए फोन पर भेजती है अलर्ट। नोटिफिकेशन देने वाली ये स्मार्ट बोतल $60 में हुई लिस्टेड। देश भर में 1/4 पावर प्लांट के बंद होने से 16 राज्यों में 10 घंटे तक देखी जा रही है बिजली कटौती। वहीं कोयले सप्लाई बढ़ाने और मालगाड़ी को रास्ता देने के लिए 42 ट्रेनों को किया गया कैंसिल। एमपी, यूपी और राजस्थान समेत 18 राज्यों के 20 शहरों में पारा हुआ 45 के पार। 46 डिग्री के साथ प्रयागराज बना सबसे गर्म शहर। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को मिली जमानत, पुलिसकर्मी पर किया था हमला। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने 115 एग्जीक्यूटिव पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 11 मई 2022 तक कर सकते हैं आवेदन। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में संपन्न करवाए गए 19 दहेज रहित रमणी विवाह। अमेरिका में कोरोना काल में फेंके गए सिंगल यूज मास्क को सीमेंट में मिलाकर बनाया गया बेहतर कंक्रीट। 47% तक मजबूत कंक्रीट बनाकर रचा इतिहास। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ नीलाम। 4 खरीदारों के बीच 8 मिनट लगी बोली में 437 करोड़ रुपए में बिका नायाब हीरा। भटिंडा में बस स्टैंड पर रखी 4 बसों में लगी आग। बस के अंदर सो रहे कंडक्टर की जिंदा जलकर हो गई मौत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को अब तक $600 अरब से ज्यादा का हो चुका है नुकसान। देश में 2500 किलोमीटर सड़कें और 300 पुल भी हो चुके हैं बर्बाद। दिल्ली के शाहीन बाग में 50 किलो हेरोइन को किया गया बरामद। एनसीबी की कार्रवाई में 30 लाख रुपए भी हुए बरामद। साथ ही मामले में 2 अफगानी नागरिकों सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारत जापान के राजनयिक संबंधों के 70 साल हुए पूरे। जापान के पीएम ने हिंदी में ट्वीट कर दी बधाई। बीच रास्ते में खराब हुआ ओला स्कूटर। नाराज मालिक ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। मालिक ने कहा 181 की रेंज होने के बावजूद महज 46 किलोमीटर में ही रुक गया स्कूटर। मुंबई में महंगाई के बीच जनता को मिली बड़ी राहत। रेलवे ने 50% तक घटाया एसी लोकल ट्रेन का किराया। झज्जर की फैक्ट्री में अमोनिया गैस हुए लीक। मौके पर मचा अफरा तफरी का माहौल। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से कई लोग हुए अस्पताल में भर्ती। बद्रीनाथ मार्ग पर कैमरे में कैद हुआ भर भराकर गिरता पहाड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सीआईडी ने तेलंगाना में लिया बड़ा एक्शन। पुलिस भर्ती घोटाला मामले में परीक्षा निरीक्षकों समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद से सामने आई दिल दहलाने वाली घटना। 2.5 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच नोच कर किया मौत के हवाले। आईपीएल में सट्टा लगा रहे 9 लोग हुए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा आकर कर रहे थे सट्टेबाजी। अमृतसर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। सेना ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसे ड्रोन को मार गिराया। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब छिड़ा बाइबल विवाद। स्कूलों में शिक्षा के दौरान बाइबल के उपयोग पर जताई गई आपत्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद से बचत का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। अमेरिका में H5 बर्ड फ्लू का इंसान में संक्रमण का पहला मामला आया सामने। हाल ही में चीन में मिला था एक संक्रमित। कोलकाता हाईकोर्ट के इतिहास में घटी अभूतपूर्व घटना। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की गैर हाजिरी में अदालत ने याचिकाकर्ता की बात सुनकर सुनाया फैसला। गुड़गांव में एक फ्लैट में एसी लगाने के दौरान मैकेनिक का संतुलन बिगड़ा। 6 मंजिल से गिरकर हुई दर्दनाक मौत। 12 से 17 साल के किशोरों को लगेगा कोवोवैक्स टीका। NTAGI ने किया ऐलान। जर्मनी में सेवाएं देंगी केरल की 400 नर्स। स्वीडन और नॉर्वे समेत कई देशों में भी जताई जा रही है रिक्रूट की इच्छा। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को बनाया गया थल सेना का नया उप प्रमुख। आज से संभालेंगे पदभार। सहारनपुर में सड़क पर नमाज करने से रोकने पर मचा बवाल। अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद जमा हुई भीड़ ने की नारेबाजी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने भाई को PM पद से हटाने को तैयार। पूरी कैबिनेट से लेंगे इस्तीफा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। फांसी की सजा के 2 दोषियों को पढ़ाई करने की दी अनुमति। आखिरकार
एलन मस्क के नाम हुआ ट्विटर, 44 बिलियन डॉलर खर्च करके खरीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। असम में आंधी तूफान से मची भयंकर तबाही, घटना में 20 लोगों की हो गई मौत। गूगल ने 2021 में प्ले स्टोर से 1.2 मिलियन से अधिक नीति का उल्लंघन करने वाले एप्स को किया ब्लॉक, गूगल ने जारी किए आंकड़े। एलन मस्क ने ट्विटर की खरीद के बाद टेस्ला के 4 बिलियन डॉलर के शेयर्स को बेचा, इसी के साथ मस्क का नेटवर्थ हुआ 268 बिलियन डॉलर।